हेलो गाइस, वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ गुड़गांव टू कसौल रोड ट्रिप। और पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर लीजिए। तो गाइस, ये पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि पार्ट वन में हमने गुड़गांव से लेके हिमाचल प्रदेश बॉर्डर तक कवर कर लिया था और फिर हम हिमाचल प्रदेश में एंटर हो गए थे। ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर के बीच का, मतलब हिमाचल प्रदेश का टोल है जो हमने दिया कैश में, और उसके बाद हम एंटर कर गए हिमाचल प्रदेश। सो गाइस, फाइनली हमने टोल दे दिया है और अब हम हिमाचल प्रदेश में एंटर कर रहे हैं। सो वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। तो गाइस, हिमाचल प्रदेश एंटर होने के थोड़े आगे आते ही देखा तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और काफ़ी स्किड हो रही थी गाड़ी। थोड़ा संभल के चलाना पड़ रहा था क्योंकि काफ़ी मडी था और बहुत ज़्यादा पानी गिरा हुआ था क्योंकि हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा था और काफ़ी अंधेरा भी था। गाइस, काफ़ी अंधेरा था तो हम एक ढाबे पे रुक गए और हमने सोचा मैगी खा लेते हैं और थोड़ा देर रोशनी होने तक यहीं वेट करते हैं क्योंकि काफ़ी अंधेरा था और टर्न्स विजिबल नहीं थे। तो हम ये आशु टूरिस्ट ढाबा पे रुक गए थे जो कि स्वर्ग घाट में था। तो गाइस, काफ़ी रोशनी हो गई है तो हम सोच रहे हैं कि बस अब यहाँ से निकलते हैं आशु टूरिस्ट ढाबा से जो कि स्वर्ग घाट से था। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी आपने डेढ़ दो घंटे ख़राब कर लिए थे तो चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइस, यहाँ से बिलासपुर अब रहता है 40 किलोमीटर्स और मंडी यहाँ से है 105 किलोमीटर। सुबह का टाइम है, ट्रक्स बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है क्योंकि सामने से भी ट्रक्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं तो ओवरटेक करना पॉसिबल नहीं है। सुबह सुबह ये खूबसूरत पहाड़ देख के बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही थी, एकदम फ्रेश एयर। और दिल्ली जैसे पॉल्यूटेड सिटी में रहने के बाद और जहाँ इतना ट्रैफिक, दिन भर भाग दौड़ वाली ज़िंदगी को छोड़ के जब हम इस पहाड़ों पे आए तो बहुत अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि सनराइज़ हो गया है और स्काई का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, डिफरेंट कलर्स है, ऑरेंज, ब्लू। बहुत ही प्यारा सा व्यू है, कैमरे में उतना क्लियर नहीं है बट सामने से वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहा था। बस हम आगे बढ़ते जा रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है। बड़ा ही प्यारा व्यू था। बस इसी व्यू को एंजॉय करते हुए हम चल पड़े आगे की तरफ। तो गाइस, मंडी यहाँ से अब बचा है 30
किलोमीटर्स और टाइम दिखा रहा है 45 मिनट्स, तो देखते हैं हम कितनी देर में कवर कर पाते हैं, क्योंकि हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा सेफर साइड लेके। रास्ते फ़िलहाल अभी तक बहुत अच्छे हैं, 2 लेन रोड है पर काफ़ी ब्रॉड है रोड्स, तो दिक्कत नहीं हो रही। और कहीं कहीं 4 लेन रोड्स भी थे, बस कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो उतना पैच थोड़ा ख़राब था, बाकी रास्ते काफ़ी अच्छे हैं और देखते हैं आगे रास्ते कैसे रहते हैं। गाइस हम सुंदरनगर पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है सुबह के 9:45 और कसौल अभी भी दिखा रहा है 3 hours 45 minutes। तो एक्चुअली हमने बीच में बहुत ज़्यादा हॉल्ट ले लिए थे और मॉर्निंग में भी काफ़ी अंधेरा था, तो 2 घंटे में वहां हॉल्ट लेना पड़ा, तो हमारा वो टाइम थोड़ा वेस्ट हो गया। गाइस सुंदरनगर से अब मंडी बचा है 23 किलोमीटर। गाइस जब भी आप पहाड़ों पे आए तो थोड़ा गाड़ी संभल कर चलाएं, जैसे कि हमारा फर्स्ट टाइम था, हम थोड़ा स्लो जा रहे थे क्योंकि यहाँ कोई भी कहीं से आ सकता है। देखिए आप सामने से कैसे वो रॉन्ग साइड से आ रहा है जबकि पीछे से पूरी लेन सीधे सीधे आ रही है, तो किसी के माइंड को तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, जस्ट आप खुद ही सेफ चलाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गाइस हम पहुंच गए मंडी और जैसे कि बोर्ड पे दिखा रहा है कि मनाली और कुल्लू के लिए हमें राइट जाना है, तो कसौल के लिए भी हमें राइट ही जाना है। मंडी के मार्केट इतनी ज़्यादा क्राउडेड लग रही है जैसे हिल्स नहीं कोई नॉर्मल प्लेन की सिटी हो, प्लेन्स हो जैसे। और अभी तक की हिमाचल की जितनी भी सिटीज़ आई हैं काफ़ी कमर्शलाइज्ड हो गया है हिमाचल, सो लेट्स सी आगे कैसे रहता है। आप देख सकते हो जैसे कि पहाड़ों को काट काट के रोड बनाए जा रहे हैं ताकि हम इजीली ट्रैवल कर पाएँ, लेकिन उनकी नेचुरल ब्यूटी तो ख़त्म ही होती जा रही है। हम मेट्रो सिटीज़ को छोड़ के हिल्स पे आते हैं जस्ट टू हैव फ्रेश एयर, और यहाँ पे भी वही सब हो रहा है। पहाड़ों को काटने की वजह से धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी, टाइम हो रहा था 10 लेकिन ऐसे लग रहा था दिन के 1 या 2 बज रहे हों। गाइस भुंतर यहाँ से बचा है 42 किलोमीटर। तो गाइस ये आ गया मंडी डैम और अब यहाँ से कसौल रहता है अराउंड 65 to 68 किलोमीटर्स। गाइस मंडी के बाद भी रोड्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, काफ़ी ब्रॉड है, आराम से 2 गाड़ियां निकल जा रही हैं और रोड की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। और ये जो पहाड़ों की कटिंग्स हैं ये तो बहुत ही प्यारी लग रही है और बस ऐसे लग रहा है चलते जाएं, और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। और हमने सोचा नहीं था मतलब फर्स्ट टाइम के हिसाब से कि हम आ पाएंगे कि नहीं, बट या वी मेड इट टिल हियर, तो वी आर सो एक्साइटेड आगे जाने के लिए।
तो गाइस हम एंटर हो गए टनल में जो कि मंडी के बाद आता है। तो गाइस टनल क्रॉस करने के बाद अब कसौल बचा है 44 किलोमीटर्स और गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग टाइम दिखा रहा है 1 आवर में हम कसौल पहुंच जाएंगे। गाइस अब हम भुंतर पहुंच गए हैं और आगे से लेफ्ट लेंगे तो हम भुंतर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो फ़िलहाल हमें सीधा जाना है क्योंकि हमें कसौल जाना है और आगे सर्कल से हम राइट लेंगे तो कसौल चले जाएंगे और स्ट्रेट जाएंगे तो मनाली पहुंच जाएंगे। तो गाइस वैसे तो हम हिमाचल प्रदेश में सुबह 5:30 बजे के करीब एंटर हो गए थे बट भुंतर आके ऐसा फील हो रहा है कि हम हिमाचल में हैं क्योंकि अब जाके स्काई क्लियर हुआ है। पहले काफ़ी जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो बहुत ज़्यादा डस्ट थी और बहुत गर्मी भी थी बट भुंतर के बाद से वेदर काफ़ी अच्छा हो गया था। गाइस हमने सर्कल से राइट ले लिया है कसौल के लिए और अब कसौल बचा है 29 किलोमीटर यहाँ से। और सॉरी मैं सर्कल की वीडियो नहीं ले पाई थी क्योंकि मैं कहीं खो गई थी पता नहीं पहाड़ों को देखने में और फील करने में। सो सॉरी फॉर दैट। इस कसौल के जो लास्ट 29 किलोमीटर्स हैं इसके रास्ते काफ़ी पतले हैं और काफ़ी टर्न्स हैं तो थोड़ा सेफली ही चलाना आप लोग क्योंकि सामने से जो टैक्सी वाले आते हैं वो बहुत रफ़ ड्राइव करते हैं और वो रुकते भी नहीं हैं। तो आप ट्राई करें कि जहाँ भी टर्न हो तो आप हॉर्न ज़रूर दें। गाइस ये है पार्वती नदी और ये कसौल तक हमारे साथ साथ ऐसे ही पैरेलल ही चलेगी। गाइस फाइनली हम बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखना चालू हो गए हैं और बहुत ही प्यारा लग रहा है। कैमरे में इतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा क्योंकि दूर है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ।
गाइस फाइनली हम एंटर हो रहे हैं कसौल में और हमने यहाँ दिया डेवलपमेंट टैक्स जो कि 100 रुपीज़ था। एंड जस्ट सी द स्नो के माउंटेंस कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो चलिए चलते हैं कसौल और एक्सप्लोर करते हैं इस ब्यूटी को। हम पहुंच गए कसौल। ये कसौल मार्केट से व्यू है। अभी हम ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और हम पहले सर्च कर लेते हैं अपना होटल, तो दिखाते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।